भगवान की लीला, वो ही जाने। हम तो अब तक समझ नहीं पाए कि हम मंदिर से बाहर आए कैसे। मतलब आपको नहीं पता? ना, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, फिर प्रदक्षिणा लेने के लिए हम मंदिर में घूम ही रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, हमारे हाथ में जो थाली थी जिसमें बेलपत्र थे उसके कारण, या पता नहीं, पर हम बेहोश हो गए। और जब होश आया तो जंगल में पेड़ के नीचे पाया अपने आप को। पर मैं तो मंदिर के बाहर था और आप मंदिर से बाहर आई नहीं। मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया था और फिर बिना मंदिर का द्वार खुले आप जंगल में कैसे पहुंच गई? जब मंदिर का द्वार खुले बगैर अक्षय की लाश, इंस्पेक्टर अक्षय, उसकी लाश मंदिर से बाहर जंगल में पहुंच सकती है, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकती जंगल? इंस्पेक्टर अक्षय, ये कैसे जानती? तब तो ये जेल में थी। कहीं ये तो, लेकिन एक पल के लिए ये मान ले कि ये सच कह रही तो शायद जहां ये होश में आई थी उसके उसके कहीं आसपास ही कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जहां से मंदिर के अंदर जाने से। का चल रहा है दिमाग में? कहीं हम पर शक तो ना कर रहे हो? अरे नहीं नहीं शक्ति देवी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको वो जगह याद है जहां आपकी आंख खुली थी? मतलब कि जंगल का कौन सा हिस्सा था वो? मंदिर के पीछे वाले जंगल में कुएं के पास, वही पर हमें होश आया था। इसका मतलब वो गुप्त रास्ता भी वहीं कहीं होगा। देखते हैं कब तक हाथ नहीं आएगा। शक्ति देवी मैं चलता हूं। गौरी, गौरी कुछ बात तो करो, अब मैं बात करने के लायक भी नहीं रहा। दोस्ती मेरी तरफ से भी नहीं टूटी राहुल, पर सबके सामने जता नहीं सकूंगी। शायद मेरे दिल का बोझ इन पन्नों पर हल्का हो जाए। सोचूंगी तुमसे बतिया लो। आज रात छोरे का काम निपटा दो। वो छोरा राहुल जंगल की तरफ जा रहा है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो जंगल से कभी वापस लौट के ना आए।
बैग जी, आप बस उसकी चिता तैयार करो। उस छोरे ने मेरे अंदर जम के आग लगाई है और उसी आग में उसका दाह संस्कार कर देंगे हम। देवी के हिसाब से उन्हें यही होश आया था। इसका मतलब मंदिर में जाने वाला वो खुफिया रास्ता, वो भी कहीं आसपास ही है। झील के उस पार मैंने मंदिर का दूसरा हिस्सा देखा था, यहां से ज्यादा दूर नहीं। कुछ कड़ियां तो आपस में जुड़ रही। मुझे मंदिर के उसी हिस्से से शुरुआत करनी होगी। पत्थर मंदिर भी तो इन्हीं पत्थरों का बना हुआ है। इसका मतलब मैं सही जा रहा जी। अरे बैठ जी, पगला गए हो क्या? हाँ, आपका बुढ़ापा रास्ता दिखे है। पहले खुद उसे मारने के लिए पैसे थमाए और अब जीवन रक्षक बनकर बीच में कूद पड़े हो। अगर आज मैं बीच में नहीं कूदता ना, तो कल तेरे घर के दरवाजे के बाहर यम के दूत कूदते हुए नजर आते। क्या मतलब? पुलिस के बीच मेरा खबरी है, उसने खबर दी है। ये आधे घंटे पहले पुलिस के बड़े अफसरों की मंत्रणा हुई है। गांव वाले पुलिस वालों को चलने नहीं दे रहे ना, तो लोगों ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है। अनुरोध करके फौज बुला ली है। क्या? अब हमारे सिद्धपुर की जिम्मेदारी फौज के हाथों है। अब इंसान तो छोड़ो,
एक चिड़िया की भी लाश बुढ़ापे के अलावा किसी और वजह से गिरी तो फौज हमारे सामने होगी और उसके बंदूक के सामने होंगे हम। क्या फौज? हाँ लखनपाल, हम पुलिस वालों को तो संभाल सकते हैं लेकिन फौज को नहीं। पर बैठ जी, ये राहुल उसका क्या? अभी मामला गरम है तो हम लोगों को भी शांत रहना पड़ेगा, बाद में देखेंगे। अभी चलो चलो यहां से, आओ आओ बाद में देखते हैं, आओ आ जाओ। शक्ति देवी की बातों में हमेशा रहस्य छुपा होता है, अगर उनकी बात को सच मानो तो उन्हें यही होश आया था। तो मंदिर का वो खुफिया रास्ता जिससे उन्हें यहां लाया गया था वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आदिवासी ये यहां क्या कर रहे? कभी कभी ऐसे ही ये चॉकलेट वाला दूध पीकर तू अपनी परीक्षा देने जाया करती थी, आज दूसरे बच्चों के दिए गए परीक्षा की कापियां जांच रही है। बड़ी हो गई मेरी बेटी, लेकिन बेटा बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, मां बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। ये चॉकलेट वाला दूध भी ताकत आएगी। पर ये मेरी बेटी कभी जोर से चिल्लाया नहीं मैंने, हाथ हाथ कैसे माफी मांगूंगा तो मिलेगी? पापा क्या कर रहे हैं आप? प्लीज माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। आपकी बार बार मना करने के बावजूद भी मैं आपसे सवाल करती रही। अपनी परी को माफ करेंगे ना? समझती है ना अपने बाप को, जो मैं कहता हूं या नहीं कहता, जो मैं करता हूं या नहीं करता, सबके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। समझती है ना? जी। ये चॉकलेट वाला दूध पीकर कापियां जांचना तो यहां है, फिर ये लोग वहां कहां जा रहे? कहीं
भाई ये लोग दादा ठाकुर के घर? दाता ठाकुर, उनसे कहिए हम मिलने आए हैं। क्या आदिवासी, इन्हें दाता ठाकुर से क्या काम होगा? और वो भी इतनी रात को चोरी छुपे। जाकर देखो वहां पे किस चीज की आवाज आई। जाओ है, इस वक्त यहां आना हुआ तो वजह कुछ बड़ी होगी। दाता, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। बिगड़ रहा है? कहीं मंदिर से जुड़ा कुछ तो नहीं? और हमारे बीच जो समझौता हुआ था कि आवाज आई ना? कौन है वहां? ए, जाकर देखो वहां। जाओ। कौन है? जाओ, क्या कर रहे हो? मेरे पापा की जासूसी करने घर में घुसा है। नहीं, मुझे अजीब से लोगों को हाथ दे देगा तो उनके पीछे मैं चला आया। कौन है? क्या दिख? चलो राहुल, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें बार बार अपनी मुसीबतें खड़ी करने का शौक है? अरे अंदाजा भी अगर आज किसी ने यहां देख लिया होता तो क्या होता? सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूं नम्रता मैं। जानता हूं कि आज नहीं तो कल या तो जीत मेरी होगी या किसी खतरे की। समझती हूं मैं राहुल। वैसे तुम कुछ बता रहे थे ना कि तुम कुछ अजीब से लोगों के पीछे आए थे, कौन है वो लोग? हाँ, कुछ आदिवासी हैं, वो तुम्हारे पापा से मिलने आए हैं तो मैं उन्हीं के पीछे पीछे घर में आ गया। मेरे पापा से मिलने? नम्रता के कमरे में? और आ गए हैं क्या सरपंच जी? माफी दाता ठाकुर, राहुल ही दिखा था नम्रता बिटिया के कमरे के अंदर जाते हुए। आंखों से ना देखता तो ये बात मुंह से भी ना निकालता। सब पता चल गया उसको, हमारे और आदिवासियों के बीच की बातें। और ये ठीक नहीं हुआ दाता ठाकुर। तुम्हारा आंखों का देखा हुआ, हम अपनी आंखों से देखते हैं जी। बाकी की बातें कल होंगी। चलिए। वो लोग कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे, कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। तुम जानती हो इन सब के बारे में? नहीं राहुल, मुझे तो खुद पहली बार तुमसे ये बात पता चल रही है कि ऐसे कुछ लोग भी आए हैं। अरे ऐसे कैसे? नम्रता,